क्या कर रहे हो आप? कैलकुलेटर चला रहे हो? सुबह के बाल देख, कर्ली कर्ली है, कर्ली कर्ली है मेरी। तो बताए कितने पैसे चाहिए? हाँ। अब कल सुना, आप और पापा ना मुझे ना इतने पैसे देना। कितने पैसे देने बताना, जस्ट शो मी। हाउ मच? 10 rupees? फॉर व्हाट? किस चीज के लिए? क्योंकि उसको मैं बैंक में रखोगे? जब मुझे ना चॉकलेट टॉफी चाहिए तो मैं दे दूंगी। ओह माय गॉड, 10 rupees बैंक में रखोगे आप? 10 rupees? अच्छा, 20 rupees? ओके, 3 rupees भी दे दूंगी। ठीक है जी, ओके। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 9 और आप लोग देख सकते हैं मेरा किचन मॉर्निंग में कितना ज्यादा सिमटा हुआ होता है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इसमें मम्मी ने मलाई रखी हुई है और बाकी ये बर्तन भी मैंने सारे लगा दिए। थोड़ा बहुत कप है इसमें, थोड़ा सा बिल्कुल, और ये कुकर जैसे रहता है, रात को धोया था इसको भी लगा देते अपनी जगह, ये लग गया। और तो बस अभी जो है चाय बन गई है, मम्मी के लिए निकाल रही हूँ चाय। और ये पतीले को ना मैं हल्का सा इसमें जो पानी है गर्म कर देती हूँ, जिससे कि इसको वॉश करने में इजी रहे। और नया वाला दूध जो है ये भी मैं वॉश करके इसमें गर्म करने के लिए रखूंगी, बट पहले चाय पियेंगे उसके बाद। और समय कह रही है कि मैं नहीं खाऊंगी बिस्किट चाय वगैरह कुछ नहीं खाऊंगी। लेट मी वॉश इट अगेन। आई थिंक ये मम्मी ने कल वॉश किया था, अच्छे से नहीं हो पाया, होता है इस एज में यार, दिखता नहीं है क्योंकि हमारी हाइज भी थोड़ा सा वीक हो जाती है ना। तो चलिए मम्मी के लिए चाय निकालती हूँ। सौम्य मना करे कुछ भी खाने से, बट मैं सोच रही हूँ चाय के साथ इसको बिस्किट दे दूँ अभी, क्योंकि दूध तो खत्म हो गया। हम रात को शेक वगैरह पीते हैं तो फिर वो खत्म हो जाता है, तो मॉर्निंग में ही मंगाते हैं वरना फट जाता है। अगर रात को ही मंगा दूंगी तो फट जाएगा दूसरे दिन तक, इसलिए। विमल हो गया, मम्मी को चाय दे आओ, प्यास लग रही यार बहुत। हमारी जो किचन है ना छोटी सी है, मतलब मॉर्निंग में बहुत अच्छे से सिमटी सी और ऑर्गेनाइज सी दिखती है, और जब मैं खाना बनाती हूँ उसके बाद ही फिर वैसे ही मैसअप हो जाती हूँ, बिल्कुल मैस हो जाती हूँ। तो चलिए मम्मी को चाय देते हैं और फिर उसके बाद हम भी पीते हैं। सो गाइस, लेट्स हैव अ टी। मैं चाय लेके आ गई यहाँ पे और नीचे ज़मीन में बैठ के खा रही हूँ। कई बार होता है ना कि ज़मीन में बैठ के खाओ। और एक टी शर्ट मैं आपको दिखाने वाली थी, आपको येस्टरडे आई ड्रॉप्ड मैंगो जूस ऑन माय टी शर्ट। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंगो लेके आए थे कल दिन में, लेके आए थे ये, गए थे किसी काम से बाहर, हॉस्पिटल गए थे, कुछ फॉर्म्स वगैरह सबमिट करने थे इंश्योरेंस के, तो ये लेके आए थे ठीक है। और तो फिर आपको पता है मैं मैंगो की कितनी बिग 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 फैन हूँ, और मैंगो खा रही थी तो बस हो गया गलती से। बाकी जो है ना जैसे इस टाइप की मीठी चीज़ें हैं, बिस्किट हो ये वो, ये मुझे इतनी पसंद है, जैसे खीर हो गया, सिवैया हो गया, मैंगो हो गया, फ्रूट्स में जैसे जो कुछ मैं लाइक करती हूँ, आई लव दैम, बस यही है। तो पहले मैं जो चाय वगैरह फिनिश कर लेती हूँ, इसमें मलाई जम रही है, मलाई मैंने साइड कर दी, बहुत ही जल्दी जम जाती है मलाई आजकल, ज़रा सा रख दो मलाई जम जाती है उसमें, छोड़ दो ना जैसे चाय को छोड़ देते हैं हम थोड़ी देर के लिए, फिर ऊपर से मलाई इसमें जम जाती है, और मेरा बिस्किट भी इसमें गिर रहा है। ब्रेकफास्ट हो गया मम्मी? लुक एट हिम, उल्टी बनियान। कई बार सूट भी पहने जाता है ना, गलत दिखता है, उल्टी बनियान पहन ली, फिर गला ऐसे ही होता है उस सूट पहन के। देखो मम्मी का हाथ, ये प्रॉब्लम अभी कैसा है इसमें? अभी ऐसे तो हो रहा है पर यूं नहीं मुड़ रहा। अच्छा, आपकी बेटी भी देखेंगे ना इसलिए मैं पूछ रही हूँ। देख लो दीदी अपनी मम्मी की, आप देखोगे ना वीडियो में, तो इसलिए मैं सोची हूँ बता दूँ। और कुछ मैसेज देना चाहते हो अपनी बेटी को? ये बेटी बच गई बाल बाल। तेरी बेटी ने गिरा दिया, अपनी बेटी को नहीं बोल रहा कि दादी
जो इतनी जोर से भयंकर गिराया था। मैं सारी आंखें नीली बनी मेरी। बच्चे तो करते ही हैं। कहाँ कहाँ पे लगी थी मम्मी आपकी? अरे मेरे घुटना फूटा, ये लगा हुआ। घुटने तो अब ठीक है ना पहले से? ना तो किडनी चढ़ा जा रहा था। अच्छा, हाथ में ज्यादा प्रॉब्लम है वो भी ये वाले ना जिसमें पट्टा वाले। सो के टुडे आई हैव मेड आज क्या दो तीन दिन से दाल का पराठा इन माय ब्रेकफास्ट एंड आई मेड ऑल दीज पराठास फॉर ऑल ऑफ देम क्योंकि सभी यही करने वाले हैं। एक्चुअली ये पोहा नहीं लेके आए थे, मैंने सोचा था पोहा मैं अपने लिए बनाऊंगी तो ये भी खा लेंगी मे भी, मतलब कभी कभार क्या होता है कि सेक्रीफाइस कर लेते हैं बट ये बहुत ही रेयर होता है कि ये सेक्रीफाइस करते हैं। तो बस चाय मेरी बन गई है, मम्मी ने ब्रेकफास्ट कर लिया एंड माय मिल्क इज बॉइलिंग हियर एंड चाय भी बन गई। चलिए करते हैं और अचार के साथ खाएंगे हम पराठा। और ये पराठा जो है ना, अगर आप घी का पराठा खाते हो ना तो वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता। घी जो है हमारी बॉडी को अच्छा होता है तो इसलिए मैं पराठे तो बनाती हूँ बट घी के बनाती हूँ तो घी जो है उसमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता। ब्रेक है आपका? तो चलिए विमल को लगाती हूँ सबसे पहले एंड ही लाइक्स गाजर का अचार। सौम्या को भी गाजर का ही ज्यादा पसंद है। गाजर दो ना अचार में तुम्हें। और यार आजकल पता नहीं अचार भी कैसा आ रहा है, मतलब उसमें पूरा लिक्विड लिक्विड मसाला मसाला ज्यादा दिखता है और अचार बहुत ही कम दिखता है। सौम्या अपनी दादी के साथ बात कर रही। So guys, let's have a breakfast. आप लोग भी खा लीजिए by camera. तो चलिए उनको देने जा रही है। लो, वो बहुत दिन से निकला। आठ पजामे भाई, आठ। वो भी गर्मियों के आठ। कपड़े धोए थे परसों तो तूने? कब? अभी तो धोए थे, तीन चार दिन हुए। हर रोज चेंज करती हूँ ना मैं। सुबह ये देखो सारा दो दिन से लाते हैं। दो क्या करना है? अभी दो पजामे और मंगाएगी, 12 पजामे हो जाएंगे इसके बाद। अच्छा सोमू के पास घर मेरे ऑनलाइन कपड़े आने वाले हैं एमरजेंसी। सोमू कहाँ से आ रहे कपड़े तेरे? एमरजेंसी कहाँ से मंगा रही मम्मी? अमेजोन से। अच्छा अमेजोन से कपड़े आने वाले हैं। अमेजोन से थोड़ा ना, मैक्स से आने वाले थे बट अभी मैंने कैंसिल करने वाला। मम्मा ने नहीं किए? नहीं करा वो। क्या मम्मा ऑर्डर नहीं बोली? मैंने देखा था मेरे सामने कर रखा था। जाके देख पूछ ला, अभी बोल रही है मम्मा मैंने कैंसिल कर दिया। अभी बोल रही है नहीं कैंसिल नहीं किया, मैंने कार्ट में डाले हैं, मतलब हमने ऑर्डर डाले हैं। ठीक है ये लो सुनो खा लो। अब ऑर्डर जाएगा। ऑर्डर नहीं किया अभी मम्मा ने, रोक लिया। रोका हुआ मैंने सोचा इस बार मशीन लगानी है ना तो इसलिए मैंने फिर धोए नहीं। बीच में भी तो आ ही जाती है, बहुत दिन से हो रहा था। जब आएगी मेरे बारिश में नहाऊंगी, आज मेरे तो धोने हो रहे हैं। सोमू ने बोला रात को बिमल सुनो, वो परसों बता रहे थे ना तो मुझे वो क्या जोक बता रहे थे, जोक आया था ना उसमें व्हाट्सएप पे, क्या बता रहे थे? चोरी के बारे में जो था लॉकडाउन का। लॉकडाउन के बारे में नहीं था कि अगर कोई चोर आ चेक करे तो क्या था? क्या था? वो कह रहा था कि जल्दबाजी में मैं लॉक मुझे नहीं मिला। ठीक है तो मैं जल्दबाजी में लॉक नहीं मिला तो मैं उसमें COVID-19 का पॉजिटिव का पोस्टर चिपका के आ गया। हाँ ये सही है ना, और भी यही कहना पड़ेगा कई बार होता है ना। तब तो और नहीं आएगा कोई चोर और तुम नहीं आएगा बाहर से ही बात जाएगा। सही बात है। गाइस यहाँ पे घी बन रहा है हमारा, मम्मी ने ये मक्खन को गलाने के लिए रखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये कढ़ी, आज मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ और मम्मी मुझे बताएंगे कैसे बनानी है तो ये उसी की तैयारी चल रही है यहाँ पे। तो ये तो आपने घोल घाल के रख दिया आई थिंक, क्या क्या रख दिया इसमें? कुछ नहीं घोला, मैंने बेसन घोला बस। अच्छा नमक मिर्ची कुछ नहीं डाले होंगे इसमें ना? नहीं डाला हमने। ठीक है
सो टुडे आई एम गोना बी मेक कड़ी एंड माय मदर इन लॉ विल टीच मी हाउ टू मेक कड़ी. एक मिनट लाइक मी जस्ट फोकस. तो इसमें अभी तो कुछ मेथी डाल दी आपने ना? ना डाली तो है आपने. ये मैं तो गरम देखा. आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ कैमरे के सामने. तो मेथी डालेंगे सबसे पहले हम. उसके बाद इधर आ जाओ. कोई नहीं लोग वैसे भी आपको कितना पसंद करते हैं आपको पता है. आप लोग सब मेरी मदर इन लॉ को पसंद करते हो ना. हाय बोल दो. हाय. तो अब अभी मेथी हो गया. लहसुन डाल. लहसुन डाल. एक्चुअली मैंने कभी ट्राई नहीं करी. मतलब करी एक बार करी थी वो एकदम खराब हो गई थी. तो आज जो है मैं ट्राई करूँ. फिर लहसुन जब ब्राउन हो जाएगा तब डालू. डायरेक्ट डाल दू. तो ये ब्राउन होने दूँ या फिर ये ब्राउन होने दे. लेट्स सी कैसी बनती है मेरे हाथों से कढ़ी. और यहाँ पे तो मम्मी ने पहले से ही तैयार करके रख दी थी जो मैंने आपको दिखाया था ना अभी. वो उसमें सिर्फ मम्मी ने बेसन खोला था. बेसन कितने चम्मच डाला था आपने इसमें? चम्मच. बड़े चम्मच से. बस बेसन घोल दिया. और मैं सोच रही थी ओ ये तो काले होने लगा. तो प्याज डाल दी. आराम से डालना जल्दबाजी नहीं कर. अभी ऐसे ये प्याज ज्यादा नहीं भूलना होता ना. हल्का सा सॉफ्ट होने तक. कड़ी कहते हैं सबसे ज्यादा इजी होती है बनाने में. बट वही है कि जब किसी बनाई ना हो ना तो उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता है. तो वही हम कर रहे हैं. यहाँ पे सीख रही हूँ. अब डाल दो इसमें मसाले वसाले डालने शुरू कर दिए. पहले मैं सोचती थी कि जो वो बोलते हैं ना बेसन बोलते कड़ी के साथ में. तो मैं सोचती थी मसाले उसी में डालते होंगे इकट्ठे. बट कई लोग डालते हैं शायद इसमें भी मसाले. हाँ मेरी मम्मी तो शायद इसी में डाल देती है. इतना गर्म नहीं आता. मेरी सासू माँ कड़ी बहुत टेस्टी बनाती है. मेरी बहन जो अदित्य तू भी देख ले आज कड़ी बन गई. डाल दो आप चाहे तो पकौड़े वाली कड़ी भी बना सकते हो. बट हल्दी थोड़ा और डाल दे. थोड़ी सी हल्दी और बस. और धनिया पाउडर नहीं डालती मैं. धनिया पाउडर नहीं डाल. कुछ नहीं डालती. ठीक है बस हो गया. इसे हमने हल्दी और मिर्च पाउडर डाला. नमक कब डाल देते हैं? नमक बाद में. हल्का सा इसको जो है भून लूंगी मसाले के साथ में. आप डाल आप डाल नमक. ये नमक लास्ट में. नमक लास्ट में. ओके डाल दिया. धीमे धीरे धीरे से डाल. कैसे बताना ऐसे? हाँ डाल दीजिए पूरा डाल दे. तो मैंने इसमें लस्सी मतलब जो वो करा था आप इसमें हिलाते रहते हैं. ठीक है चटपुरा. मैं आप लोगों को साथ जरूर शेयर करूंगी कि मैंने कैसी बनाई ये कढ़ी. तो चलिए अब कढ़ी जब बन जाएगी ना तब मिलते हैं. बुक निकालो अपनी. लहसुन निकालो वाला. लहसुन 6 निकाल लिया. हाँ तो निकालो. तो मैं अभी जस्ट आई हूँ शॉप से. आज बारिश हो गई थी शाम को. शॉप जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ. कोई कस्टमर नहीं आ रहा था तो हम जल्दी आ गए. अभी 7:30 हो रहे हैं. 7:30 बजे हम घर पहुँच चुके हैं. और अभी जो है मैं सौम्या को पढ़ा रही हूँ. सौम्या का होमवर्क करवा रही हूँ. उसके टेस्ट होने वाले हैं वो मैं इसको प्रिपेयर कराऊँगी. और बनाऊँगी मैंगो शेक. बट आपको मिलूँगी मैं न्यू ब्लॉग में. तब तक के लिए पापा एंड टेक केयर.